तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द टेस्टमेंट ऑफ ए वॉकर, एक पैदल चलने वाले की वसीयत नामा, जिसको लिखा है ऑथर आर के नारायण ने। तो हम सबसे पहले आर के नारायण के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो आर के नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1906 में और मृत्यु 13 मई 2001, और उनको पॉपुलरली आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उन्होंने एक मिशनरी स्कूल से ली है, जिसके वजह से वो बचपन से ही इंग्लिश के साथ फेमिलियर थे और बड़े होके उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग शुरू किया। उनकी जो सबसे पहली नावल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जिसको पब्लिश किया गया था 1935 में। आर के नारायण एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश नॉवल का जो ट्रेंड है वो शुरू किया था। उनके बाद बहुत सारे नॉवलिस्ट ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया था। मालगुड़ी एक काल्पनिक गांव है, जिसको आर के नारायण ने उनके अक्सर कहानियों में, अक्सर नॉवल्स में यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के समरी को। ऑथर आर के नारायण इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑथर आर के नारायण जो हैं वो ऑटोमोबाइल्स, कार्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ऑटोमोबाइल्स टू हिम इज ओनली अ मीन्स टू एन एंड। ऑटोमोबाइल्स या कार्स बस उनके मतलब के काम के लिए थी। इफ़ ही इज कैरिड टू हिज डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइडेड अ सीट, ही इज सेटिस्फाइड। अगर उनको एक सीट में करके उनको मंजिल पहुंचा दे तो ये उनके लिए इनफ था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते थे वो। ही डजंट सी एनी अदर फीचर इन ए कार ऑटोमोबाइल, वो उससे ज़्यादा कोई और फीचर नहीं देखते थे किसी भी कार में। डिस्पाइट हिज सच नेचर ही ओन्स एन इम्पोर्टेड कार, उनके ऐसे नेचर होने के बावजूद भी उन्होंने एक इम्पोर्टेड कार खरीद लिया था। विच ट्रबल्स हिम अलॉट, जिससे उनको बहुत सारे तकलीफें झेलनी पड़ी। फॉर हैविंग एन इम्पोर्टेंट कार ही कांट रोम हेयर एंड देयर अननोटिसेबली। ऑथर आर के नारायण जो एक इंट्रोवर्ट इंसान थे, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, तो अब गाड़ी खरीदने के बाद उनके साथ मुसीबत ये हुई, वो कहीं भी जाए तो लोग उनको नोटिस कर लेते थे। दूसरी दिक्कत ये आती थी कि ही हैज़ टू गो 100 किलोमीटर्स टू फिक्स इट इफ इट एवर ब्रेक्स डाउन। अगर कभी भी ये गाड़ी ख़राब होती थी तो उनको बेंगलोर, जो कि उनके घर से 100 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ जाना पड़ता था। हिज कार हैज़ मैनी आउटस्टैंडिंग फीचर्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर, उनकी कार में बहुत सारे आउटस्टैंडिंग फीचर्स मौजूद थे, उनमें से एक एयर कंडीशनर भी था। बट ही रेयरली यूटिलाइज देम, लेकिन उन्होंने एकदम रेयरली उसको यूटिलाइज किया था, बिकॉज ऑफ हिज ड्राइवर्स इनहिबिशन, क्योंकि जब भी वो एयर कंडीशनर चलाते थे तो उनके ड्राइवर जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता था। ही एडवोकेट्स फुट इंस्टेड ऑफ कार, वो पैदल चलने की वकालत करते थे ना कि कार की। ही कॉल्स इट हिज फिलॉसफी, और वो उसको अपनी फिलॉसफी ऑफ वॉकिंग कहते थे। ही ऑल्सो प्रेडिक्ट दैट समडे पेट्रो सिविलाइजेशन विल बी क्रश्ड एंड पीपल विल रीडिस्कवर फुट व्हिच इज गॉड गिवन फॉर वॉकिंग। और वो ये भविष्यवाणी करते थे कि किसी दिन ऐसा होगा कि ये जो पेट्रो सिविलाइजेशन है, ये जो पेट्रोल पर डिपेंडेंट सिविलाइजेशन है, ये एक दिन क्रश्ड हो जाएगा। लोग फिर से अपने पैरों को डिस्कवर करेंगे, जो कि भगवान का दिया हुआ है चलने के लिए। वंस द पार्किंग लाइट ऑफ हिज कार गेट्स डैमेज एक्सीडेंटली, एक दिन क्या हुआ, उनकी कार की जो पार्किंग लाइट है वो डैमेज हो गया एक्सीडेंट से। ही गोज टू अ मैकेनिक हु सेज इट विल कॉस्ट 2000 टू रिप्लेस इट। तो वो जब एक मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक ने बोला कि 2000 रुपये चाहिए इसको रिप्लेस करने के लिए। द मैकेनिक सेज ही कैन मैनेज इट एंड फिक्स इट। फिर मैकेनिक ने क्या बोला कि वो इसको मैनेज कर सकता है,
रिप्लेस बिना किए उसको फिक्स कर सकता है। आफ्टर 2 वीक्स व्हेन द मैकेनिक कम्स बैक टू वर्क दे गेट कंफ्यूज्ड अबाउट हु हैज टेकन द लाइट। 2 वीक के बाद जब मैकेनिक वापस अपने काम पे आया तो आर के नारायण और मैकेनिक दोनों कंफ्यूज हो गए कि लाइट किसके पास है। एट द एंड द ऑथर डिसाइड्स टू गेट रिड ऑफ इट। फिर ऑथर को गुस्सा आया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसका कोई तोड़ निकालना है। He abandons using the car onwards. उसके बाद उन्होंने कार यूज ही करना बंद कर दिया। He also mentions his friend who is very much fond of imported cars. ऑथर ने अपने एक फ्रेंड को मेंशन किया है जो कि बहुत ही पसंद करते थे इम्पोर्टेड कार्स को। Who advised him to buy a similar model old car and take valuable parts from it. जिस दोस्त ने उनको एडवाइस किया था कि वो एक पुराना सिमिलर मॉडल का कार खरीद ले और उससे जितने भी वैल्यूएबल पार्ट्स है उसको लेके अपने वाले कार में लगा दे। ऑथर रिफ्यूज इट टू। ऑथर ने इसको भी रिफ्यूज कर दिया।